हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग उठ चुके हैं और ये हमारा पहला ब्लॉग है। और तो आज का ब्लॉग देखने के लिए ब्लॉग पे बने रहें, पूरा वीडियो देखें, एंड तक देखें। आज हम लोग पूरा जन्माष्टमी का ब्लॉग बनाएंगे और शिवी भी उठ चुका है और शिवी को देखिए आप लोग। अब मैं आपको दिखाती हूँ शिवी क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा है शिवी? सुबह सुबह बाहर निकल जाता है, इसको सुबह सुबह से ही बाहर घूमना रहता है और ये अपने से पूरे घर में घूमता रहता है सुबह सुबह। इसने अपना दूध पी लिया है और अब घूम रहा है। शिवी ये देखो, बोलो सबको हैप्पी जन्माष्टमी, आज मैं कृष्णा बनूंगा, है ना? आज मैं कृष्णा बनूंगा। अभी हम लोग पी रहे हैं चाय, सुबह की चाय, ब्लैक टी। सुबह सुबह हम लोग पहले ब्लैक टी पीते हैं, उसके बाद फिर मैं जाके दूध वाली चाय बनाती हूँ। तो अभी चाय पी रहे हैं, शिवी खेल रहा है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद ना हम लोग ने क्या शॉपिंग की है शिवी के लिए, कौन सी वाली कृष्णा ड्रेस की खरीदी है, वो सब आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए फ्रेंड्स। मैंने चाय पी ली है, मतलब हम लोग ने सबने चाय पी ली है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि हम लोग ने क्या क्या लेकर आया है सामान। अभी बहुत सा सामान छूट गया है कि हम लोगों को फिर जाना है सामान लेने के लिए। उसमें मैं आपको दिखा रही हूं हम लोग ने क्या क्या सामान लेकर आया है। ये हम लोगों ने फ्रूट्स ले लिए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, और ये भगवान के कपड़े हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे से हैं, तो छोटे से हैं इसलिए इनके लिए छोटे छोटे कपड़े हैं बहुत ज़्यादा। ये मैं इसको यहाँ रखती हूँ, ये उनकी माला है। ये एक और कपड़े हैं उनके लिए ही, लड्डू गोपाल जी के लिए। ये लड्डू गोपाल जी का मुकुट है ना, बहुत सुंदर सा प्यारा सा मुकुट है। मैंने 2 मुकुट लिए हैं, है ना? मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। और ये है फ्रूट्स जो हम चढ़ाएंगे पूजा में। ये लड्डू गोपाल जी के लिए मोरपंख है। तो अब मैं आपको शिविन की ड्रेस दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है शिविन की माला, मतलब कृष्ण जी की माला। ये है कृष्ण जी का मुकुट और ये उनकी कमर में बांधने के लिए शायद कोई कपड़ा है तो वो उसके साथ ही आया है। और ये है कृष्ण जी की ड्रेस, ये कॉटन का कपड़ा है। मैंने इसलिए कॉटन लिया है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो कॉटन में बच्चे को ना बहुत कंफर्टेबल और अच्छा लगेगा, गर्मी भी कम लगेगी। एक वो चिकना सा कपड़ा आता है सिंथेटिक सा, वो चमकता है, तो मैंने उसको जानबूझ के नहीं लिया ना, कि उससे बहुत गर्मी लगती है बच्चों को और यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है जहाँ मैं रहती हूँ। और ये है उसका पैजामा, को क्या बोलते हैं इसको धोती, ये बनी बनाई धोती है। और ये है बांसुरी, बांसुरी बहुत ही मतलब ऐसी मिल गई है, इसको डेकोरेट करना है, तो इसको जब मैं डेकोरेट करूँगी तब आप शाम को और अच्छे से देखिएगा, है ना? तो बस इतने ही सामान है फ्रेंड्स। अभी हम लोग और जाएंगे, अभी मुझे लड्डू गोपाल जी का झूला लेना है पीतल का। कल हम लोग बहुत सारी दुकान घूमे लेकिन हम लोग को एक भी दुकान में झूला नहीं मिला। एक जगह मिला लेकिन इतना छोटा सा मिला ना कि उसमें भगवान जी आएंगे ही नहीं। तो आज फिर फर्स्ट हाफ में जाएंगे और सारा सामान लेकर हमको फिर से आना है। पंचामृत का सामान लाना है, पंजीरी का सामान लाना है और झूला, सबसे मेन है झूला। आज मैं मतलब मैंने भगवान रखे हैं सिंहासन उनका छोटा सा, झूला पिछली बार भी नहीं मिला था हमको लेकिन इस बार मैं झूला पक्का लेकर आऊँगी। भगवान मिल जाना प्लीज़, हे लड्डू गोपाल झूला जरूर मिल जाना। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अभी किचन में, हम बनाऊँगी चाय, मिल्क वाली चाय। ब्लैक की तो हम लोग सबने पी ली है, मिल्क वाली चाय बनेगी। फिर उसके बाद हम करेंगे नाश्ते की तैयारी, उसके बाद मैं सब लोग नाश्ता करेंगे। मेरा कल व्रत था थर्सडे का, तो मैं अभी आज जाके नहाऊंगी, पूजा करूँगी, फिर नाश्ता करूँगी। फ्रेंड्स तो अब हम रेडी हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए और जन्माष्टमी का सामान लाना है। और शिविन के लिए कल हम लोग ने एक खिलौना लेकर आया था, उसका रिमोट दुकान में ही छूट गया है, तो उसको भी लेकर आना है।
ठीक है, तो मैं शिवी को कार में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। देखिए 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 इसका चेहरा देखिए, इसको लग रहा है कि मम्मी वीडियो बना रही है। बेटा बोलो सबको हाय, से हाय, हाय बोलो, हाय हेलो, से हेलो। अभी उसका ध्यान कार में भी है और वीडियो पे भी है, वीडियो पे ज्यादा ध्यान है, फिर आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ना वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए, और पूजा की तैयारी करने के बाद हम लोग जाएंगे गांव, वहां पर होगा कृष्ण भगवान जी का जन्म, है ना शिवी, और शिवी को हम बनाएंगे श्री कृष्ण। और जा रही हूँ मैं, देखती हूँ मम्मी पूजा का सामान रेडी कर रही है और मैं इधर बैठ के वीडियो बना रही हूँ शिवी के साथ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और अब मैं बाहर बालकनी में निकल रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ का वेदर अभी कैसा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मैं आपको देखिए आज का वेदर कितना अच्छा है, कितने बादल छाए हुए हैं, बट बारिश अभी हो नहीं रही है, पर ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी थोड़ी देर में। इतने गरज रहे हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा कि जन्माष्टमी के दिन बारिश होती ही है, कृष्ण जन्माष्टमी और बारिश ना हो ऐसा नहीं हो सकता, बारिश होगी। बारिश होगी होगी होगी, है ना, बारिश होगी ना। बारिश होती है। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी का झूला एकदम तैयार है, यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत डेकोरेशन करके रखा है, और ये लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं जो अभी हम शाम को पूजा करने के बाद इनको पहनाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया है, थोड़ी बहुत डेकोरेशन है यहाँ ऊपर, पूजा करने के बाद कृष्णा, बट शिवी का मूड अच्छा नहीं है, शिवी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओल 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 बे क्यों रो, शिवी बहुत रो रहा है, उसको वो ड्रेस में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उसको ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, तो ड्रेस हमको चेंज करनी पड़ेगी। क्या बेटा, रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं गांव, वहाँ पंडित जी आएंगे और पंडित जी पूजा करवाएंगे। ओ कृष्णा बहुत ज्यादा, देखो लड्डू कैसा है, ये मेरा लड्डू है, ओ ये तो मेरा पूरा पूरा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं गांव जाने के लिए, अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे और वहाँ पे पूजा का सारा अपडेट आपको देंगे, ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए आज तक कृष्ण। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं, पूजा सब दिखाएंगे। बोलने में डाल दें तुलसीदास।
वापस आ चुके हैं, पूजा खत्म हो गई है और अभी इस वक्त बज रहे हैं रात के 1। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। ये मेरा पहला ब्लॉग था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा था और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। अगला ब्लॉग जल्दी आएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।